सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो फिर से मैं लेकर आ गई एक यूट्यूब वीडियो जिसमें कि आज हम लोग बनाने वाले हैं चिल्ली पटैटो। क्या बनाने वाले हैं आज हम लोग? चिल्ली पटैटो। तो गाइज उसकी रेसिपी देगी क्योंकि हम लोगों का ना आजकल बहुत ज्यादा सर्दी भी हो रही है ना, तो टेस्टी टेस्टी खाने का मन करता है। तो वो सब कौन बनाता है? मम्मी बनाता है। दो टाइम मैंने बनाया, मतलब मैंने एक वो बनाया था बीच में, मैंने क्या बनाया था, मैं केक बनाया, केक मैंने ना वो बनाई थी, कप केक्स बनाए थे। तो उसकी रेसिपी नहीं दे पाती क्योंकि ये लोग सारे के सारे बैठ जाते हैं, और वो 11 बजे बनाई थी मैंने रात की, ठीक है। तो फिर वो कैमरा वैमरा मेरे को सब कुछ करना पड़ता, फिर कोई उठता नहीं कंबल से। तो फिर मैंने कहा भी मैं थक चुकी हूँ, मैं सिर्फ बनाऊंगी, ठीक है। तो गाइज अब मम्मी ने पिछली बार क्या बनाया था, मम्मी ने बनाया था पिज्जा, अब की बार मम्मी बना रही है चिली पटैटो। तो गाइज रेसिपी देते हैं फिर हम लोग आज आपको, और फिर से टेस्टिंग वेस्टिंग करके दिखाएगी कि कैसे बने हैं, और रेसिपी भी देगी कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैंने देख सकते हो मैंने ये लंबे लंबे जैसे चिली पटैटो के वो स्लाइस होते हैं, मैंने उसको वैसे लंबे लंबे काट लिए, धो लिए है। अब मैं कपड़े के अंदर इसको थोड़ा सा पानी, इसका जल्दी से सूख जाए, तो कपड़े के अंदर मैं इसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि पानी जल्दी से सूख जाए, है ना। देखो गाइस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी अरारोट, देख लो ऐसे जितने आलू के स्लाइस हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल लो। थोड़ा सा गाइस मैं डालूंगी इसमें मैदा, और एक सेकंड, हाँ। तो गाइस मैं इसको चिली पटेटो को अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा कलर डाल दूंगी, जैसे सब बच्चों को कलर फुल अच्छा लगता है। और गाइस इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, बस इसको अच्छे से हम मैश कर देंगे। गाइस देख लो एकदम अच्छे से हम इसको मिला लेंगे जो सारा इस पे चढ़ जाए पटैटो पे। तो गाइस देखते रहना, देखते हैं क्योंकि हम भी बहुत टाइम बाद मम्मी के हाथ के चिली पटैटो खाए हैं। ऐसी बात नहीं है पहली बार बना रही, मम्मी ने बहुत बार ही बनाए हैं, बट इस घर में जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो मम्मी ने रेयर बनाया है। मम्मी और चीजें ज्यादा सीख गई थी जैसे कि चिल्ली चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा। तो अब हम बहुत टाइम बाद हम भी टेस्ट करेंगे, तो मेरा भी बहुत टाइम वाला है बाद रिएक्शन होगा कि आज कैसा बना है। गाइस ये मैंने अपने पुराने वाले घर में जब वो लॉकडाउन था, जब सब लोग अच्छी अच्छी चीजें बना रहे थे, जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम बनाया था तो अच्छा नहीं बना था, मतलब ठीक ठीक बना था, नहीं पहली बार में टेस्टी बना था, बना था उसको बहुत अच्छा लगा ईशा को, ये जब से मेरे पीछे लगी है। नहीं चिल्ली पटाटो में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, बल्कि एक बस स्टार्टिंग में चाउमीन एक बार वो थी, चाउमीन थोड़ी, हाँ चिल्ली पटाटो हर बार टेस्टी बने थे। तो गाइस अब देखती हूँ कैसे बनते हैं। काफी मैं कम से कम, गाइस मैं कम से कम 4 साल के बाद बना रही हूँ शायद, हाँ ना 4। हाँ इस घर में तो एक बारी भी नहीं बनाया आपने, हाँ। तो गाइस यहाँ पर नहीं बनाया, मैं सोच रही थी एक बारी बनाया, याद नहीं आ रहा था, बट मम्मी कम से कम 4 साल बाद चिली पटैटो बना रही है, तो अब देखते हैं कैसा टेस्ट लगेगा हम लोगों को भी ना। और वो भी गाइस इसकी इतनी जिद करके करके मैंने आज ये मुहूर्त निकल गया, आप समझ लो। और आज तभी निकला था जब मेरी तबीयत खराब थी, बट कोई नहीं, चलो अब दे रहा है दुरुस्त है, बट हम लोग खाएंगे। हम लोगों ने वेजीज कट कर लिए, ये रहे हमारे अनियंस, ये रहे हमारे कैप्सिकम, और ये रही हमारी ग्रीन चिल्ली, और ये हम लोगों ने इसको मीडियम स्लो पे स्टार्ट कर दिया है, ये रहे हमारे चिल्ली पटाटो जो कि हमने मैरिनेट करे थे आप सबके सामने। और गाइस बाकी सारी सॉसेस भी होनी चाहिए आपके घर में, देखो पहले से, क्योंकि चिल्ली पटाटो बनाने के लिए सॉसेस रखनी जरूरी। कौन कौन सी? एक तो रेड चिल्ली सॉस, विनेगर एंड सोया सॉस, ये 3 सॉसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप मंचूरियन बना रहे हैं, आप चिल्ली पटाटो बना रहे हैं। आगे आगे बनते रहिए मम्मी के चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे, आपको ये सब के सब रेसिपीज मिलेगी बहुत जल्द। बाकी ये सब सॉसेस अगर आपको मंचूरियन टाइप बनाना है और ये चिल्ली पटाटो से बनाना है तो आपको ये सब रखना पड़ता है अपने साथ, ओके। तो गाइज हम लोग, अब मम्मी बताएगी क्या करा है। गाइज मैंने ना पहले से इसको थोड़ा सा डीप फ्राई हल्का करके रख दिया था, क्योंकि जब हम चिल्ली पटाटो बनाएंगे तो ये एकदम से क्रिस्पी रहा एकदम डालने में ना, तो अब हल्का सा हम लोगों ने कर दिया था इसको डीप फ्राई, अब हम लोग इसको सही से करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अब वो आपके विषय, आप एक बारी में ढंग से कर लो या फिर हम लोगों ने दो दो बारी करके लिया था, तो अब हम लोग इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा पहले कर लिया था, आप बाद में भी आराम से ज्यादा देर के लिए कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था, मार्केट गए थे हम लोग, तो इस चक्कर में हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा मम्मी ने करके रख दिया था, अब मम्मी उसको दोबारा ढंग से क्रिस्पी करने के लिए डीप फ्राई कर रही है। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को मेरी तरह चिल्ली पटाटो बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे तो फेवरेट है फेवरेट। गाइस आ जाओ,
सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं, एक भी सीन मिस मत करना क्योंकि बहुत ये सारे के सारे स्टेप जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी सॉसेस पहले से ऑन कर दी थी, हम झटपट बनने वाला है। तो पहले मम्मी करेगी हमारी अनियन फ्राई, इसको शेप देख सकते हो किस शेप में काटा है, क्योंकि हमारे चिली पराठा इसी शेप में अच्छे लगते हैं जब इसको ऐसे हम वेजीज खाते हैं ना। तो ये हम लोगों ने कर लिया, स्टार्ट कर दिया है। अरे ये कहाँ से आ गया जरा। अब हमने इसको स्टार्ट कर दिया है फ्राई करना। अब हम लोग डाल देंगे हमारी कैप्सिकम। हम लोग इसको ज्यादा फ्राई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चिल्ली पराठे के साथ इसको फिर से फ्राई करेंगे। हम लोग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और इतनी सॉफ्ट भी नहीं करनी, थोड़ी क्रंची भी रखनी है। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी हमारी ग्रीन चिलीज। गाइस मेरे तो सोच सोच के मुंह पानी आ गया, बिकॉज मेरे को चिली पराठा बहुत पसंद है। गाइस अब मम्मी डालेगी सोया सॉस, देख सकते हो ये मेरा अंदाजा ही है गाइस, वो आप जैसे अपना अंदाजे से डाल सकते हो। ओके गाइस ये अंदाजा है, और ये हमारे रहेगा विनेगर। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड चिली सॉस। ओके ये है हमारी कैचअप। तो गाइस ये हमारी कैचअप भी डल चुकी है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये बताओ क्या है, ये है मोमोज वाली जो चटनी होती है ना, हम उसे एक पाउच ले आए थे आज, इसको डाल दो, इससे भी क्या थोड़ा सा एकदम स्पाइसी हो जाता है। ये गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, ग्रेवी तो थोड़ी डिलीशियस सी लगी रही है। बाकी आप मोमोज वाली चटनी भी ऐड कर सकते हैं, आजकल मोमोज तो सभी खाते हैं, और नहीं भी होते आसपास के स्टॉल सबको जो है वो एक, ये वैसे एक बात बोलूँ तो ये जरूरी नहीं है आपका डालना, ये एकदम वो है कि आपकी मर्जी है, आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो डाल। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये चाइनीज वाला नमक है। अच्छा इससे भी हमारा टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। गाइस ये मर्जी है आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई गल नहीं है। कैसा लग रहा है, बड़े टाइम बाद छोली पराठे बना के मुझे बहुत मजा आ रहा है। हल्का सा इसमें सॉल्ट ऐड करा है, बहुत बढ़िया करके ग्रेवी बन रही है, चिली पराठे हमारे साथ के साथ क्रंची हो जा रहे हैं, बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा है। कैसा है, चिली पटेटो खाओगी क्यूट क्यूट हो जाओगी, चिली पटेटो खाओगी क्यूट क्यूट हो जाओगी। गाइस ये है हमारा कॉर्नफ्लावर, बाद में हल्का सा इसमें पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको इस पर डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी और थोड़ी गाढ़ी हो जाए। डाल दो मम्मी, वन टू, देख सकते हो गाइस, अरे डालो यार, ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाए इससे, इससे होता है ग्रेवी गाढ़ी, ठीक है। ये तो बोला मैंने, मेरे को आज स्पेशली बुलाया गया है बाहर हॉल से इधर किचन में ताकि मैं टेस्टिंग करूं, और ये एक बहुत हॉनरेबल मोमेंट है मेरे लिए। आई नो मैं बहुत फालतू बोल रही हूँ, मैंने आज बाल वॉश करे हैं इसलिए ऐसे फ्लावर हो रहे हैं, जिसे की शादी पर जाना उसको इतना समझाना, चिली पटेटो तुम हो मेरे सब कुछ, तुम्हारे बिना मैं अब नहीं रह सकती हूँ, तुम हो मेरे फेवरेट, इनसे खाओगी तुम्हें ये मैम। गाइस ओ माय गॉड लुक एट दिस, ओ माय गॉड गाइस थंबनेल लेने दो रुको, चलो जी गाइस बता, ओ सॉरी गाइस कह रही हूँ। तो ये बहुत एक अहम डिसीजन है, क्योंकि मुझे अहम, ये मेरा इसलिए अहम डिसीजन, मैं बहुत सोच के बोलने वाली हूँ, मैं नहीं अपने गाइस को झूठ बोलूंगी और मैं आपको सच सच बताऊंगी। पहले बताओ क्रिस्पी है नहीं है, क्रिस्पी है इसलिए मैंने हाथ के पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले इसलिए हाथ के हाथ फ्राई किए हैं उसको कि क्रिस्पी रहने चाहिए। चिल्ली पोटैटो जब तक क्रिस्पी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता खाने में। कैसे बने हैं, चार साल के बाद खा के आपको चिल्ली पोटैटो मेरे हाथ के, गाइस बात चल रहा है मैं खाई जा रही हूँ ना, मैं रुक नहीं रही हूँ, बहुत यम बने हैं देख लो गाइस इसके मेरे चिल्ली पोटैटो।
मुझे पता है ये डेकोरेशन के लिए मैंने धनिया डाला, खाने वाली तो ये है नहीं है। खा लूंगा मैं, पर गाइस बहुत टेस्टी बने, मतलब ये क्रिस्पी बने हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने। आप लोग ना प्लीज रेसिपी ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज्यादा यम बने हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, मतलब बढ़िया बने। मतलब मेरे को ना जैसे पसंद है, क्योंकि मेरे को ना हर जगह चिली पटेटो पसंद नहीं आते हैं, तो मेरे को ये बेस्ट लगते हैं। अब मम्मी टेस्टिंग करेगी खुद के खाने की। सो गाइज अब हम मम्मी टेस्टिंग करेगी अपने चिली पटाटो की। ये ओके कैसे बने हैं मेरे हाथ के? तो गाइस बहुत अच्छे बने हैं, बढ़िया। बढ़िया, ठंडा हो जाएगा, अब खा लेते हैं। मस्त बने, मस्त बने गाइस, ट्राई करना। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरी चिल्ली पटाटो की रेसिपी जो मम्मी ने दी है वो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि ये जरूर ट्राई करना, बिकॉज सच में काफी ज्यादा टेस्टी बने थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इतने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और प्लीज इस व्लॉग को प्यार करो, जल्दी जल्दी हमारे 10K हो जाए, आई एम वेटिंग। और फिर व्लॉग आएगा बहुत अच्छा, जिसमें हम लोग करेंगे पार्टी। ओके बाय।